दोस्तों, यह कहानी एक पेंटर की है जो कि बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाता था। एक बार उसने एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग बनाई, एक अद्भुत पेंटिंग बनाई। जब उस पेंटर ने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसमें उसे कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। तो उसने थोड़ा सोचा और विचार किया, क्यों ना इस पेंटिंग को चौराहे पर लगा दिया जाए। अगले ही दिन उस पेंटर ने उस पेंटिंग को चौराहे पर लगा दिया और उसके नीचे लिख दिया, जिस किसी को भी इस पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आए वह उस जगह पर निशान लगा दे। अगले दिन जब वह पेंटर वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि जगह जगह निशान लगे हैं। जगह जगह निशान लगे होने के कारण पेंटिंग बहुत खराब लग रही थी। अब पेंटिंग पहले की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी। जगह जगह निशान लगाकर लोगों ने उसकी पेंटिंग को बर्बाद कर दिया। पेंटर ने जितना भी मेहनत किया था उस पेंटिंग को बनाने में, उसका पूरा मेहनत बेकार हो गया। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। पेंटर निराश होकर और दुखी मन के साथ जब घर पहुंचा, देखा कि उसका एक दोस्त आया हुआ है। उसके दोस्त ने दुखी का कारण पूछा। उस पेंटर ने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। उसके दोस्त ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, कल तुम फिर पेंटिंग बनाओ और ले जाकर उसी चौराहे पर लगा दो और उसके नीचे लिख दो, जिस किसी को भी पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आए वह उसे सुधार दे। दोस्त का कहा मानकर पेंटर ने फिर से पेंटिंग बनाई, सुंदर सी पेंटिंग, और उसे ले जाकर उसी चौराहे पर लगा दिया और उसके नीचे लिख दिया, जिस किसी को भी पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आए वह उसे सुधार दे। अगले दिन शाम में जब वह उस चौराहे पर पहुंचा तो देखा कि पेंटिंग तो बहुत ही क्लीन है, पेंटिंग के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। जैसा वह छोड़कर गया था बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी है। पेंटर पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि कमियां निकालने वाले बहुत हैं, पर कमियों पर सुधार करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, कुछ इसी तरह हमारे साथ भी होता है। हम हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, इसका यह खराब है, उसका हुआ खराब है, जबकि खुद हमारे अंदर कई कमियां होती हैं, जबकि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बस दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं।